अमेरिका ने ताइवान को अपना सबसे खतरनाक मिसाइल सिस्टम पेट्रियाट देने का ऐलान किया है ये समझौता 620 मिलियन डॉलर का हुआ है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चाइना की कौन सी हरकत की वजह से अमेरिका तिलमिला उठा और अमेरिका ने ये वादा किया था ताइवान के साथ कि अब चाइना को उसी की जुबान में सबक सिखाया जाएगा आज की इस वीडियो में हम वो तमाम चीजें सामने रखेंगे जिसने अमेरिका को भड़काया भला अखर अमेरिका इस नतीजे पर पहुंचा है कि अपना पेट्रिया मेजाइल सिस्टम ताइवान को देना ही पड़ेगा तो खबर शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश करते हैं कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करें घंटी के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर्वक्त पहुँच पाए नाजरीन कुछ रोज कबल ताइवान की सरहदों के अंदर चाइना के फाइटर जेट घुस गए थे वहाँ सारी मॉनिटरिंग की आपको ये भी बता दें की ताइवान के सरहदी इलाकों में अक्सर औकात चाइना इनफिल्ट्रेट करता रहता है क्योंकि चाइना के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है इसलिए ताइवान के ऊपर अच्छी और कड़ी नजर बना सकता है इस तमाम हालात को देख कर अमेरिका ताइवान पर हमला अपने ऊपर हमला समझता है ताइवान को उसने एफ थर्टी जहाज भी दिए है एफ सिक्सटीन जहाज भी दिए है और उसके साथ साथ समंदर के पास ताइवान के एक अपना बहरी बेड़ा भी अमेरिका ने तैनात किया है ताकि ताइवान की अच्छे से हिफाजत कर सके इतलास ये है कि जब से चाइना ने अपनी फजाई इन्फिल्ट्रेशन ताइवान के अंदर बढ़ाई थी तब से ताइवान ने अमेरिका से रबते करने शुरू कर दिए कि हमें अपना पेट्रियाट मजाइल सिस्टम दिया जाए ताकि वो चाइना की दादागिरी को खत्म कर सके नाजरीन ने ग्रामी ये मेजाइल सिस्टम आते ही अब चाइना के जितने भी साउथ चाइना सी के अंदर फाइटर जेट है उनको इजिली टारगेट बनाया जा सकता है अमेरिका के एक्सपर्ट ताइवान के अंदर बैठ कर ये पेट्रियाट मजाइल सिस्टम ताइवान की फौज को चलाने की ट्रेनिंग भी देंगे इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के ऊपर काम जारी है ताइवान ने चाइना ऐसी निमटने के लिए अपनी फौज को अलर्ट आरोप कर दिया है अमेरिका के साथ मिलकर फौजी जंगे भी साउथ चाइना सी के अंदर कर रहा है दूसरी जानब अमेरिका ने अपने तमाम तरह असासे ब्रुए कार ला कर चाइना के वो तमाम तरह जजीरे ट्रैक करना शुरू कर दिए हैं जिस पर चाइना ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना रखे है और चाइना साउथ चाइना सी को उन्ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से देखता है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह डील की मंजूरी दी है 620 मिलियन डॉलर की यह मंजूरी है दूसरी जानब अमेरिका के माइक पोम्पियो का एक बयान सामने आया है उन्होंने कहा कि ताइवान के साथ जो दफाई ऑपरेशन की जा रही है ये चाइना के बढ़ते हुए खतरात को टैकल करने के लिए बहुत अहम बन चुका है चाइना पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है एक तरफ चाइना ने पूरी दुनिया को तबाही के दिहाने पर खड़ा किया अब अपने दीगर ममालक के साथ मिलकर लड़ाई करके उनकी जगह तक हथियाने की कोशिश कर रहा है नादरीने ग्रामी इस तरह के बयाना माइक पोम्पियो की जानब ऐसी सामने आए हैं बहर हाल चाइना के फॉरन मिनिस्ट्री ने माइक पोम्पियो के इस बयान आरोप शदीद रद्द अमल दिया है और कहा है की चाइना अमेरिका नहीं बनना चाहता और न ही चाइना अमेरिका ऐसी पॉलिसी पूरी दुनिया पर फैलाना चाहता है चाइना अपनी सॉफ्ट इमेज के जरिए पूरी दुनिया पर अपना ट्रेड बनाना चाहता है इसके अलावा चाइना की और कोई पॉलिसी नहीं है नाजरी ने ग्रामीणी चाइना लगातार साउथ चाइना सी के अंदर अपनी जंगी एक्सरसाइजेज मिलिट्री कैपेसिटीज और वेपन टेस्ट करते हुए जा रहा है दूसरी जानब अमेरिका अपने अलायस के साथ मिलकर अपनी जंगी ताकत दिखा रहा है ऐसा ना हो की कहीं ये दोनों बड़े मुल्क आपस में टकरा जाए जिससे नुकसान पाकिस्तान और पूरी दुनिया को हो जाए आप इस पूरी खबर के बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना